नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेटन में। भाई आज मैच खेला जाने वाला किसका, स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टी20 आई जो खेला जाएगा एडिनबर्ग में, यानी जहां पर लास्ट मैच खेला गया। और इस सीरीज के तीन मैच है और तीनों वहीं पे खेले जाने वाले हैं। और पहला मैच आराम से ऑस्ट्रेलिया जीत गई, आराम से क्या, हालांकि इन्होंने भी दिक्कत करी, बस ट्रेविस हेड का गजब की ही पारी खेली है भाई। ठीक है, इस मैच में क्या प्रेडिक्शन होने वाली है भाई, ध्यान से सुनते रहना। सबसे बड़ी बात, इस मैच में सब लोग सेफ जाने वाले हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के फेवर से जो पिछले मैच में कमाल करेंगे ना, उन्हीं के साथ ज्यादा जाएंगे। तो कौन से इस बार आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी है स्कॉटलैंड की तरफ से। और जैसे मार्कस स्टोइनिस हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, इनकी चॉइस बहुत ज्यादा है, मिचेल मार्स की चॉइस बहुत ज्यादा है, इनके साथ कैसे अपनी ग्रैंडिंग की ट्रिक लगानी है, वो सारी चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और प्लेयर चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, जितना भी ग्रैंडिंग के लिए मैटर आपको चाहिए ना, वो इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। रिक्वेस्ट इतनी है, जहां तक आपका फायदा हो वहां तक वीडियो जरूर देखना और कोशिश करना वीडियो पूरा देखने की, क्योंकि सभी सारी चीजें समझ में आ पाएंगी, ग्रैंडिंग की ट्रिक्स वगैरह सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंडिंग किस तरह से इस मैच में आपको ट्राई करनी है। ठीक है, क्या नाम है, गूगल बाबा के हिसाब से भाई बारिश के कोई चांसेस नहीं है, मैच आपको पूरा देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो इस ग्राउंड के हिसाब से, देखो पहले ग्राउंड का बताते हैं, उसके बाद ही ट्रिक देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस ग्राउंड जो सेकंड टी20 खेला जाएगा एडिनबर्ग, जो मैंने आपको बताया लास्ट मैच वाला ग्राउंड था, इस ग्राउंड का देखो तो 15 मैचेस ग्राउंड पे इंटरनेशनल हो चुके हैं, जिनमें से 11 बैट फर्स्ट और 4 बैट सेकंड जीती है। ठीक है, और सबसे लोएस्ट स्कोर भी यहाँ पर इनका ही है, स्कॉटलैंड वालों का ही है, आई थिंक 80/80 रन है और यही होगा। ध्यान रखना 175 का यहाँ पे एक एवरेज स्कोर है, यहाँ तक की टीम्स आपको बना के चलनी है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया पहले बैट बस्ट कर दी है तो मान के चलो 200 प्लस दिखने ही वाला है, वहां तक का स्कोर बनेगा। ठीक है, अब देखो 150 तक यहाँ पर 4 बार स्कोर बना हुआ है और 170 तक भी 4 बार बना हुआ है, यानी 4 बार स्कोर बना है 150 से नीचे, वो ध्यान रखना। थोड़ा मतलब बनेगा कब बनेगा ये आपको पता ही है, सब लोग जानते हैं यार। 190 प्लस भी एक बार, 190 एक बार ही है और 190 प्लस 6 बार बना हुआ है, यानी इस ग्राउंड पे स्कोर दिखता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्कोर बनने वाला है, कैसे आपको ग्रैंडी की ट्रिक आपको इस मैच में यूज करनी है, इस चीज को थोड़ा सा फोकस करना। अगर यहाँ पे स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करती है भाई, इतनी खत्म टीम नहीं है, पिछले मैच से आप देख चुके होंगे कि पिछले मैच में भी कैनू ने बढ़िया से खेल खेला था मगर नहीं कर पाया ज्यादा। अब देखो स्कॉटलैंड या तो जाएगी भैया 100 से नीचे, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, 100 से नीचे ऑल आउट हो जाएगी, या तो ये ट्रिक चलाना स्कॉटलैंड की तरफ से अगर पहले बैटिंग करती है, और या तो भैया ये भी 160/65 का स्कोर तक करके जाएंगे और वहां पे कौन सा प्लेयर आएगा, यही दो स्कोर की ट्रिक लगाना, जाएगी तो बिल्कुल खत्म, नहीं तो भैया कुछ ना कुछ करके जाएंगे। स्कॉटलैंड टीम ही ऐसी है, तो ये चीज याद रखना टीम बनाते टाइम। और ये टीम बनेगी स्कॉट 100 वाली, जिसमें 100 से नीचे है फिर वहां तक के स्कोर में, तो आपको पता ही है बॉलर्स काम आने वाले हैं। यहां तक की बनेगी तो यहाँ पे बॉलर्स भी काम आएंगे, प्लस यहां से यानी स्कॉटलैंड के बैट्समैन भी काम आने वाले हैं। तो सारी चीज आपको बताऊंगा डिटेल में, बस बनते रहना वीडियो में, बिना स्किप करके देखते रहना। अब आ जाओ हेड टू हेड स्कोर, जो हेड टू हेड की बात करें तो भाई दो ही मैच हुए, दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया जीती, एक भी नहीं जीत पाई है। और अपने लास्ट के 5 मैच देखो तो 2 मैच यहाँ पे स्कॉटलैंड जीती है और 3 मैच यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले जीते लास्ट के 5 मैच से, तो ज्यादा पलड़ा भारी तो भाई इनका ही है, ऑस्ट्रेलिया वालों का ही है। ठीक है, लास्ट के 10 मैच देखो इस ग्राउंड पे तो 87 विकेट पेसर्स के हैं और 46 स्पिनर्स के हैं, स्पिनर्स भी गेम में है, कौन कौन होंगे आगे आपको बताऊंगा, हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दे पहले। अब आ जाओ एक एक सेक्शन कंप्लीट करूंगा, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ताकि आपको अपने प्लेयर्स को चूज करने में थोड़ी सी आसानी हो कि भाई इस सेक्शन से हमें ये प्लेयर लेना है, तो ये चीज काफी मतलब अच्छी होती है, एक आसानी होती है थोड़ा सा चीजों को समझाने में भी और समझने में भी। ठीक है, उससे पहले हमारी फैंटेसी फील्ड लीग की नंबर 1 एप्लीकेशन भाई विजन 11 अब तक डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, साथ में रेफर कोड चंदू123 यूज करोगे 500 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा, एंट्री फीस तो कम है, कंपटीशन भी लो मिलेगा और टीडीएस जीएसटी बिल्कुल फ्री है, जितना जीतोगे आपका है, कोई प्रमोशन नहीं है, फ्री है, चॉइस आपकी है, क्योंकि हम लोगों का फायदा है, यूजर्स का फायदा है। ठीक है, विकेट कीपर सेक्शन देखो, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जॉर्ज मुंशी हो गए, मैथ्यू क्रॉस हो गए, साथ में आपको यहां से जॉस इंग्लिस, अब ये इनके साथ कब क्या करना है। देखो जॉर्ज मुंशी ना एक ये मान के चलो ये है, मतलब खाली तुक्का मुक्का है इसके साथ। ठीक है, जॉर्ज मुंशी बिल्कुल भी फ्लॉप जा सकता है और बिल्कुल भी मतलब 30-35-40 का स्कोर भी करके जा सकता है, दो सिचुएशन इसके साथ आने वाले हैं और ज्यादा हाई स्कोर मेरे हिसाब से करने वाला नहीं है। ठीक है, एम क्रॉस मिडिल ऑर्डर में आएगा, अब देखो जॉर्ज मुंशी को रखोगे तो एम क्रॉस को मत रखना, मेरे हिसाब से ट्राई मत करना, और जॉर्ज मुंशी को रखोगे तो यहां से इनके ओपनर बॉलर जैसे कि आपको क्या नाम है रिले मैडिस सबसे ज्यादा मार पड़ती है, पिछले मैच में भी आप देखो हालांकि विकेट मिल गई थी, तो इस प्लेयर को तो बिल्कुल मत रखना,
ठीक है, बाकी सीन अबाउट या फिर बर्टेट दोनों में से किसी एक पर रेस्क सिचुएशन में ले लेना जब आप यहां से आप जॉर्ज मुंसी को अपनी टीम में ज्यादातर ट्राई कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है अगर यार ये टीम बनाओगे 160-65 वाली तो ये बनाओगे तो यहां पे इस तरह के ट्रिक यूज करना, और ये वाली बनाओगे 100 वाली तो जॉर्ज मुंसी मैक्सिमम लोग यहां पे ड्रॉप करके चलेंगे तो उसमें यहां बॉलर काम आएंगे। ठीक है, तो मैथ क्रॉस एम क्रॉस मिडिल ऑर्डर में आएगा, थोड़ा बहुत मे भी कुछ कर जाए। ठीक है, यहां से आ जाओ जॉस इंग्लिस। जॉस इंग्लिस की भाई इंपॉर्टेंस कम हो सकती है आज के मैच में, उसका रीजन क्या है, देखो एक तो स्पिन फ्रेंडली विकेट होती तो फिर ज्यादा उम्मीद कर सकते थे भैया स्टंपिंग रन आउट हो सकता है या फिर कैचिंग हो सकती है, स्पिन फ्रेंडली है नहीं, बैटिंग फ्रेंडली है, तो यहाँ पे आप जॉस इंग्लिस अगर आप ये वाली टीम बना रहे हो 100 से नीचे भैया निकल जाएगी आपके क्या नाम है स्कॉटलैंड, तो ध्यान रखना जॉस इंग्लिस भी आपका फ्लॉप प्लेयर जा सकता है और बहुत ज्यादा चॉइसेस के लिए। सबसे वैसे ज्यादातर लोग जॉस मुंसी के साथ जा रहे हैं मगर आज रिस्क लेके जरूर चलना जॉस मुंसी पे, ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर्स लाइनअप अच्छी है, तो यहाँ पे केवल एम क्रॉस के साथ भी अपनी इस मैच में टीम बना सकते हो। समझ में आई होगी सिचुएशन, नहीं आई तो दोबारा वीडियो को देख लो। अब आ जाओ बैटिंग सेक्शन से, बैटिंग से हमारा कौन सा कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिची बैरिंगटन है, सबसे ज्यादातर मैच यहीं पे खेलते हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस ग्राउंड पे, क्या नाम है जो स्टैट्स है थोड़ा सा अलग है, यानी सबसे जो मतलब जितने प्लेयर हैं इससे बेटर है तो रिची बैरिंगटन आपके लिए अच्छी चॉइस बनेगा। साथ में मैकमुलन लास्ट मैच में भाई अच्छा खेला था, अच्छा टच में दिखा था मगर विकेट दे दी, मगर एक विकेट ले गया वहां जाके इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई, हो सकता है आज भी बॉलिंग कर जाए या फिर बॉलिंग ना करे अगर अपने बॉलिंग लाइनअप में चेंजेस करते हैं तो, चेंजेस आपको देखने वाले हैं। तो मैकमुलर आपके लिए फिर भी ओवरऑल एक अच्छे प्लेयर बनेंगे। बाकी यहां से अगर ये वाली टीम बना रहे 100 वाली तो भैया इसको भी ड्रॉप करके चलना, रिची बैरिंगटन के साथ सिंगल अपनी आप टीम बना सकते हो। ट्रेविस हेड है, जैक फ्रेसर है, मिचेल मार्श है, साथ में ट्रेविस है सॉरी टिम डेविड है, पिछले मैच में सबके नजरों में एक ही था जैक फ्रेसर और गया कितने पे 0 पे, आज चॉइस कम हो गई है, पिछले मैच में 0 पे जाने की वजह से थोड़ी चॉइस कम हुई, ज्यादा नहीं हुई है मगर कम है। ट्रेविस हेड तो भैया आपका तबाही प्लेयर है, ये तो रहेगा रहेगा, इसके तो बोलने बेकार है, हो सकता है ये भी 0 पे चला जाए जैक फ्रेसर की तरह मगर नहीं, हो सकता प्लेयर अच्छा अच्छा खेल के जाएगा। ठीक है, बाकी आती है जैक फ्रेसर को रख रहे हो ना अपनी टीम में, 10 टीम लगा रहे हो, 5 टीम में रखना, 5 टीम में ड्रॉप करके चलना, और 5 टीम में उसकी जगह पे जैक फ्रेसर को जहां नहीं रखोगे वहां मिचेल मार्श को रखना, और जहां मिचेल मार्श को रखोगे वहां टिम डेविड क्या नाम है मिचेल मार्श को रखोगे वहां यहां से क्या नाम है जैक फ्रेसर को ड्रॉप करना। अगर ये 100 रन वाली टीम बना रहे हो तो वहां पर आपकी ये तीनों काम आने, मल्टीपल कॉम्बिनेशन आपको इस मैच में बनाने पड़ेंगे, पहले आपको बता रहा हूं। ठीक है, केवल मैं एक सेक्शन से आपको बता रहा हूं, टिम डेविड आपका कब काम आएगा, जब यहां से आप मिचेल मार्श या फिर जैक फ्रेसर दोनों को गैप कर रहे हो तब आपके लिए टिम डेविड काम आ सकता है, और हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए ही ना, लगता नहीं मुझे कि यहाँ पर टॉप में से 2 प्लेयर फ्लॉप जा सकते हैं। विकेट कीपर और बैट्समैन कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो दोबारा से वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा, बहुत टाइम है अभी। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, ऑलराउंडर्स हमारे कौन सा कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे पहले हमारी इस फैंटेसी फील्ड की दूसरी एप्लीकेशन बैट बॉलर डाउनलोड नहीं करिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, डायरेक्टली डाउनलोड करना, साथ में रेफर कोड चंद वॉन्टेदरी यूज करोगे 500 रुपए का वेलकम बोनस यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी TDS GST बिल्कुल फ्री है, इंटर फीस कॉम्पिटिशन आपको लो ही मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लूडो या फिर रमी जैसी गेम्स की स्किल आपके पास है तो आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। देखो एमलिस्ट और यहाँ पे जे जार्विस ये 2 प्लेयर ऐसे हैं, एमलिस्ट को मैंने पिछले मैच में बोला था ड्रॉप करके रखना, बाकी देखते हैं क्या होता है इस मैच में। जार्विस है भाई, इसका ना डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा था जिसके बेस पर लेके आए बंदे को, तो पिछले मैच में आपने देखा होगा आई थिंक 2 ओवर भी पूरा नहीं किए थे, 40-45 रन दे गया था, तो इसको दुनिया इग्नोर करने वाली है। अगर खेलता है तो अपनी मैक्सिमम टीम्स में, यानी ये मान के चलो कम से कम 10 टीम लगा रहे हो तो 4-5 टीम में ट्राई करने की कोशिश जरूर करना, ये प्लेयर अच्छा है, विकेट आपको निकाल के दे सकता है। अगर इनकी जगह पे ब्रेड क्यूरी या फिर कोई और क्या नाम है ग्रिप्स वगैरह है उनको खिलाया जाए तो एक अलग बात है, अगर बी क्यूरी भी खेलते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, ड्रॉप मत करना उनको भी। ठीक है, तो इनका दोनों का मामला था, ये लिस्ट को आज भी सजेस्ट नहीं करूंगा, आप रखना चाहते हो रख सकते हो अपने बेस्ट अपनी टीम में। अब आ जाओ भैया मार्कस स्टॉइनिस और कैमरॉन ग्रीन, ये भी आज के मैच में रिस्की बन सकते हैं, किस सिचुएशन में ये याद रखना, 100 रन 165 रन, यानी ये चीज याद जरूर रखना, अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो मार्कस स्टॉइनिस का कद बढ़ जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। साथ में कैमरॉन ग्रीन भाई खेलने के लिए बहुत डाउन आएगा, बस ये है 2-1 ओवर कर सकता है और हो सकता है मे भी ज्यादा विकेट भी बंदे को ना मिल पाए, तो कैमरॉन ग्रीन पे तो रिस्क लेके चलना ही चलना है, मगर स्टॉइनिस को आप अपनी टीम में कैरी कर सकते हो,
क्योंकि बॉलिंग से भी आपको दो तीन ओवर में भी, क्योंकि इतने ओवर तो मेरे हिसाब से झेल भी नहीं पाएगी स्कॉटलैंड जहाँ जिस हिसाब से है, अगर 100 रन की टीम पर ऑल आउट करा रहे तो मे भी स्टोनिस को भी इतना मौका बॉलिंग का ना मिल पाए और प्लेयर ही काम कर जाए, तो उस सीजन में ये दो प्लेयर आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं। स्टोनिस कब लेना है इसको ध्यान रखना, यहां से अगर क्रेव्स वगैरह आ जाता है तो उनको अपनी टीम में ट्राई जरूर करना, यहां से केवल मात्र स्टोनिस के साथ अपनी आप टीम बना सकते हो, ध्यान रखना। अब आ जाओ बॉलिंग सेक्शन से, बॉलिंग से भैया 8 प्लेयर आपके पास अभी है फिलहाल, तो उसके बाद देखते हैं क्या चेंजेस होता है, क्योंकि चेंजेस आपको दिखेंगे स्पेशली स्कॉटलैंड की तरफ से। एम वाट है भाई, दुनिया लेने वाली है और लेना भी चाहिए क्योंकि प्लेयर अच्छा है, रिकॉर्ड्स अच्छे हैं ग्राउंड पे भी और साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, तो बंदे को लेके चलना इस मैच में। और ये वाली टीम बना रहे अगर 100 रन वाली तो इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 100 रन पर ऑल आउट कर रहे ऑस्ट्रेलिया को, तो उस सीजन में मार्क वाट को भी ड्रॉप करने का रिस्क उठा सकते हो, मगर यहाँ पे 60-65-70 का स्कोर बनवा रहे हैं इनसे, तो वहां पर आपका मार्क वाट काम आ जाएगा, ठीक है। साथ में आपका ब्रैड व्हील है, ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है। सेक कैसल है, साथ में आपका जे डेविडसन है, इनको सजेस्ट नहीं करूंगा। बी क्यूरी जैसे मैंने बताया अगर आते हैं तो आपके लिए एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। यहां से आ जाओ एडम जंपा, जबरदस्त है भाई, एक ही स्पिनर सबसे क्वालिटी है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो है आपका एडम जंपा, तो गलती से भी ड्रॉप नहीं करना, बट कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए भी नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई ग्राउंड पे थोड़ा सा स्पिन को कम बदलता है, हालांकि 4 विकेट ले गया तो एक अलग बात है, ठीक है। सीन अबाउट है, ये आपके लिए अच्छा प्लेयर है, ये आपके लिए कैप्टनसी का फुल कंटेंडर है, इसको आप बना सकते हो। साथ में रिले मेरेडिथ है, इसको अपनी टीम में रख रहे हो तो कैप्टन जरूर रहेगा ना, इकट्ठा ही कर जाएगा सारा काम जब भी करेगा। बटलेट है, इसको अपनी टीम में कैप्टन जरूर बनाना, अगर रख रहे हो अपनी टीम में रखना पड़ेगा भाई इस प्लेयर को, चाहे कोई सी भी टीम बनाओ बटलेट आपके लिए कामयाब प्लेयर बन सकते। तो ये 8 प्लेयर, इनमें से ज्यादा आपको मैक्सिमम लेके चलने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के, तो हर अब वो डिपेंड करता है ट्रिक पे, मैंने पहले आपको बोला 100 और 165 रन याद रखना, इस तरह की ट्रिक लगा रहे हो तो यहां से आपको किसी न किसी प्लेयर पर रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे रिले मेरिड हो या फिर आपका बर्टलेट हो, इनकी चॉइस आपको ज्यादा दिखने वाली है, ठीक है। तो ये थे भैया चारों सेक्शन, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होंगी, नहीं हुई तो वीडियो को दोबारा देख लो, सारी चीजें क्लियर आपकी हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली हमारे फिक्स प्लेयर्स मैच के लिए, और ट्रंप कार्ड भाई 8 ट्रंप कार्ड लेके आए हो आपके सामने, जिनको 4 वो जिनको ड्रॉप करके चलना है और 4 वो जिनको अपनी टीम में लेके चलना है जिनकी परसेंटेज बहुत कम है, कोई ले ही नहीं रहा उनको, ठीक है। तो ये है, उसके बाद फाइनली कैप्टन वाइस कैप्टन देखते हैं कौन सा हमारा कैसे निकल के आता है, दुनिया तो मैक्सिमम जहां तक मुझे लग रहा है ट्रेविस हेड को ही लेगी, ट्रेविस हेड को ही बनाएगी, स्मॉल लीग में तो इन्हीं को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा हमारा यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन बन के आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारी तीसरी फैंटेसी एप्लीकेशन जिसका नाम है फोकस ऐप, अगर डाउनलोड नहीं करिए वो भी कर लो, ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ में रेफर कोड GET555 यूज करोगे 555 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा, जिसे आप यूज कर सकते हो 70-80% किसी भी लीग में, और एंट्री फीस कॉम्पिटिशन यहाँ पे भी आपको लोन मिलेगा, प्लस यहाँ पे भी TDS GST बिल्कुल फ्री है। तीन एप्लीकेशन आपको बताइए, तीनों हमारे काम के यानी यूजर्स फ्रेंडली एप्लीकेशन है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले आपको बोल दिया, ठीक है। अब आ जाओ फाइनली फिक्स प्लेयर हमारे स्मैश के लिए, भाई रिची बैरिंगटन मैक्सिमम 300 फिक्स रहेगा, ब्रेंडन मैकलन बिल्कुल फिक्स रहेगा मैक्सिमम 300, एम वाट है फिक्स रहेगा, बी व्हील है फिक्स रहेगा, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगर 100 रन वाली टीम होती है वहां पर, यहाँ पर भैया फिक्सिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, प्लेयर हट जाएंगे, ठीक है। ट्रेविस हेड फिक्स रहेगा, जैक फ्रेसर आज फिक्स रहने वाला है, साथ में आपका एडम जंपा भी फिक्स रहेगा, सीन अबाउट बर्टलेट, ये सारे प्लेयर हैं जो फिक्स रहेंगे। इनमें से मैंने क्या बोला, रिले मेरेडिथ को हटाया, अगर 100 रन वाली टीम बना दूंगा तो रिले मेरेडिथ भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जो ट्रंप कार्ड भाई यस वाले हुए हैं जिनको ट्राई करना, मैंने आपको पहले बताया। यहां से बात करें जे जर्विस है, जैसे मैंने बोला अगर खेलता है, नहीं लेके आता नए प्लेयर को, तो आपके लिए इंपैक्टफुल प्लेयर आज बन सकता है। यहां से बात करें बी डब्ल्यू बोले तो आपका बी व्हील यानी ब्रेड व्हील, ये काम वही करेंगे जहां पर आप 170-165 रन पढ़वा रहे हो इनसे, स्कॉटलैंड वाले से, जहां 100 रन पढ़वा रहे हो वहां में भी ये काम ना आए, ध्यान रखना। यहां से बात करें टी डी टिम डेविड, इसके बारे में आपको पूरा बताया कैसे ट्राई करना, कैसे आपके लिए ट्रंप पिक बन सकता है, ठीक है। यहां से बात करें आर एम बोले तो आपका रिले मेरेडिथ, इसके भी मैंने पूरे आपको ट्रिक बताई है। अब आ जाओ भैया जिनको ड्रॉप करने का रिस्क उठाना है, सबसे पहले GM बोले तो आपका जॉर्ज मोसी, 80% चॉइस है ड्रीम 11 में, तो ग्रैंड लीग की टीम्स में, और हाई चांस है फ्लॉप जाने के क्योंकि सामने बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, पिछले मैच में रिले मेरेडिथ इनका हाथ खोल गया था नहीं तो फंसे पड़े थे, ठीक है। तो यहां पे जॉर्ज मोसी आपके लिए फुल रिस्क प्लेयर आज के लिए रहने वाला है। दूसरा आपका ML बोले तो आपका एम लिस, बहुत ज्यादा चॉइस है इसके भी, इस पर रिस्क लेके जरूर चलना आज के मैच में। यहां से बात करें मार्कस स्टोइनिस, MS बोले तो
और दूसरा आपका सीजी बोलो तो कैमरन ग्रीन। इन दोनों की भी मैंने पूरी ट्रिक बताई है कैसे आपको इनको ड्रॉप करके चलना है और किस सिचुएशन में आपको अपनी टीम में लेके चलना है। तो यही चीज होती है, जो चीज ध्यान से हर कोई सुनता है वीडियो को उसको फायदा कहीं ना कहीं होता है और उसकी ट्रिक कामयाब होती है। और इस तरह के मैचेस में ना ग्रैंडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें सबको पता है कौन क्या करने वाला है। मजा वहां आता है जहां बराबर की टक्कर होती है। ठीक है, तो ये था फाइनल। अब बात करते हैं फाइनली हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन इस मैच के लिए कौन से निकल के आते हैं। विकेट कीपर सेक्शन किसी को भी देखना नहीं है, आंख बंद करके इग्नोर मारो। बैटिंग सेक्शन से स्कॉटलैंड की तरफ से किसी को भी नहीं बोलूंगा देखने के लिए। यहां से ट्रेविस हेड और जैक फ्रेसर ऐसे प्लेयर हैं जिनको अपनी टीम में एज ए कैप्टन जा सकते हो। टीम बैट फर्स्ट करती है तो जैक फ्रेसर हो गया, ट्रेविस हेड हो गया, मिचेल मार्श हो गया, यहां तक आप कैप्टन जरूर के कॉम्बिनेशन जरूर बनाना ग्रैनी की टीम। ऑलराउंडर से बात करें एम लिस्क है, जर्विस है, किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, मतलब ही नहीं बनता इनकी तरफ से ना कैप्टन के लिए ना वाइस कैप्टन के लिए। सॉरी मार्कस स्टोइनिस है, अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो आप अपनी टीम में कैप्टन ट्राई कर सकते हो, मगर उस सिचुएशन में यहां से आपको जैक फ्रेसर या फिर मिचेल मार्श दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, तब जाकर आपके लिए कामयाब पारी खेल सकता है मार्कस स्टोइनिस। और ये इनको इनमें से किसी को ड्रॉप करोगे तो यहां से आपको कोई ना कोई प्लेयर और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से आ जाओ, मार्क वाट है, ब्रैड व्हील है, डेविडसन है, ये को तो सजेस्ट करूंगा नहीं, मगर बी क्यूरी अगर आते हैं तो आप उसको एज ए वॉइस कैप्टन तक जा सकते हो, बट मुझे लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को इतनी भी गिर देगा, हालांकि उसका रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है इसलिए आपको बोल रहा हूं। यहां से बात करें चारों की चारों फुल दावेदार है भाई एज ए कैप्टन या वॉइस कैप्टन, मगर एडम जंपर पर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं है, स्पिन को इतनी ज्यादा मदद नहीं है, मगर 10 टीम लगाओगे, पहले बॉलिंग कर रही है, 100 रन वाली टीम बना रहे हो तो ये चारों आपके लिए फुल दावेदार रखते हैं एज ए कैप्टन। 165 वाली बना रहे हो वहां पे भी आपके लिए सीन अबाउट हो गया, रिले मेडिट हो गया और बार्टेड हो गया, ये प्लेयर आपके लिए कैप्टनसी पारी खेल सकते हैं, मतलब 3 से 4 विकेट बड़े प्यार से लेके जा सकते हैं साथ में वाइस कैप्टन के तौर पर, उसके बाद आप यहां से इनके बैटिंग सेक्शन पे आ सकते हो। तो ये था भैया टोटल फाइनल प्रेडिक्शन ड्रीम 11 की ग्रैंडिंग के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर देना ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमारे चैनल से रेगुलर मिलते रहे। और तीनों फैंटेसी एप्लीकेशन जो भी आपको पसंद आए खेल सकते हो, बिल्कुल फ्री है, अच्छी एप्लीकेशन है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से ज्वाइन जरूर करना, टॉस के बाद टीम सर्वर आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं शाम को टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।